बागली तहसील के चापड़ा चौराहे पर खाद्य कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा खाद्य सामग्री की जांच की गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं खाद्य विभाग के माध्यम से लगातार खाद्य पदार्थ के सैंपल लेकर मिलावट पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते गुरुवार के दिन मिलावट से मुक्ति अभियान चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की गाड़ी बागली तहसील के चापड़ा चौराहे पर पहुंची, जहां पर खाद्य अधिकारी अलमेलू पीवी की उपस्थिति में खाद्य कर्मचारी द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इस अवसर पर संतोष कुमार जैन, होटल संचालक द्वारा उपयोग किया गया गर्म तेल एवं सेव, पनीर, मिर्च पदार्थ की जांच की गई। हालांकि सभी सैंपलों की जांच सामान्य पाई गई। इस अवसर पर अन्य खाद्य पदार्थ की भी जाँच की गई, जो सामान्य पाई गई। इस अवसर पर खाद्य अधिकारी अलमेलू पीवी ने बताया कि सरकार द्वारा यह अभियान जागरूकता के प्रति चलाए जा रहे हैं, जिससे कि बाजारों में मिलावटखोरों पर अंकुश लगा सके। इस अवसर पर सभी दुकान संचालकों को खाद्य पदार्थों की मिलावट की किसी प्रकार की जांच की जा सके, इसके बारे में जानकारी दी गई। खाद्य अधिकारी ने बताया कि सरकार का जो उद्देश्य है, मिलावट से मुक्ति अभियान को जमीनी स्तर पर साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। प्रयोगशाला है जो हर संभाग में, मध्य प्रदेश के हर संभाग के लिए दिया गया है, जो जगह जगह पे हम आम जनता की जागरूकता के लिए और जो आम उपभोक्ता के लिए जो खाद्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है उसकी प्राथमिक गुणवत्ता की जांच करने के लिए ये लगाए थे। आज यहाँ पर जो किन चीज़ों का यहाँ पर आज चापड़ा में हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, जिनमें से हमने मावा, पनीर, जो खाद्य तेल जिसको फ्राई करने के बाद इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जाँच के लिए जांच की गई। पनीर, मावा की प्राथमिक जांच की गई, जिसमें संतुष्टिजनक पाया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।